को आंख से दिखाई देता है? नहीं देता सर। डीलर का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, डीलर का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखिए अभी तक दिसंबर माह का राशन मात्र 4 पंचायतों को मिला है, और गोदाम में आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, न्यूज में भी आप लोगों ने देखा होगा कि भारी मात्रा में एफसीआई गोदाम में अनाज को सड़ाया जा रहा है। अभी हम तीसरी प्रखंड के खिजूरी पंचायत के विशुनपुर गांव में हैं, और हमारे पीछे यहां पे आप लोगों को ग्रामीणों का एक जमावड़ा दिख रहा होगा। दरअसल विशुनपुर की यहाँ के जो लोकल डीलर हैं, इनके खिलाफ ये लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत यादव। कहाँ घर कहाँ हुआ? नीमाड़ी। क्या मामला है? मामला यही है सर, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा दिक्कत हो रहा है डीलर, जब से यहाँ आया राशन कार्ड हम लोग को, जैसे कि चावल भी मिलता है दो बार का, तो चावल तो दो बार दे रहे थे, यहाँ एक ही बार कभी कभी मिलता है। और जैसे चावल आया है बोल रहा है कि 31 तारीख को इस महीने का, इस महीने के या दिसंबर का? दिसंबर का महीने में चावल आया है, तो दिसंबर में जैसे कि 31 तारीख को शायद यहाँ आया है, 31 तारीख को बहुत जगह चावल बांटा गया है, तो 31 तारीख को बहुत हम लोग भी आए यहाँ पे, तो बोले कि चावल नहीं मिलेगा अभी 31 तारीख को, जैसे मशीन तो खुलता ही है शायद दूसरे जगह बांटा गया है, तो यहाँ चावल नहीं मिला। उसके बाद हम लोग को बोला गया कि 5 तारीख को मिलेगा, ऐसा सबको बोला गया कि 5 तारीख को आइए, 5 तारीख को मिलेगा। आज हम लोग 5 तारीख को यहाँ पे 8 बजे आ गए हैं। यहाँ दिक्कत ये भी है कि एक दिन चावल मिलेगा, दूसरा दिन नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी मतलब एक दिन में आ जाए तो मिल जाएगा उसको, दूसरा दिन में चावल खत्म हो जाता है, बहुत आदमी को नहीं मिलता है चावल, यही सब दिक्कत हो रहा है। हम लोग का गाँव भी दूर थोड़ा दूर पड़ता है, इसीलिए ये सबका मांग है कि हम लोग का कम से कम नजदीक में जो डीलर है उसको यहाँ हम लोग का राशन को ट्रांसफर कर दिया जाए। आंख से दिखाई देता है? नहीं देता सर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रेवत रविदास। कहाँ से हैं आप? धावाटन से। क्यों आए यहाँ? ये चावल उठाने के लिए बुलाया, बोलो 5 तारीख के दे देगा, तब बोल यहाँ पर बोल यहाँ आ गया, तब बोल 5 तारीख के नहीं मिलेगा, 6 तारीख के मिलेगा चावल, आज कल ये चावल बांट दीजिए तो बजा के फिंगर ले लेगा। बताइए इस प्रकार से एक जो विकलांग आदमी है जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता है, उन्हें बुलाया जाता है कि आप 5 तारीख को आकर राशन ले जाइए, और उसके बाद यहाँ आने के बाद उनको इस प्रकार से इतना दूर आने के बाद यहाँ पे परेशान किया जाना किस हद तक जायज है? महीना में कितना बार राशन मिलता है? महीना में कभी 2 बार मिलता है, कभी 1 बार मिलता है। दिसंबर का राशन मिला है? दिसंबर का नहीं, नहीं मिला दिसंबर का। एक भी बार नहीं? नहीं। क्या नाम है डीलर का? डीलर का शायद मरियम बेसरा है, इसी तरह मरियम महिला मंडल के नाम से डीलर है। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिला लोग भी है, तो आइए इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मामला क्या है। क्या नाम हुआ आपका? कंचन देवी। क्या मामला है? मामला यही है सर, जो दीदी ने बोली कि बोल 5 तारीख को बोला ना, हम 5 तारीख को दे देंगे चावल, और 4 तारीख के हम निमाड़ी स्कूल का पास में जाके बैठेंगे, वहाँ फिंगर लगा के आएंगे, और 5 तारीख के आना, हम चावल दे देंगे। हम उधर दीदी लोग को सबको बोले कि बोल चावल दीदी दे दीजिएगा बृहस्पत को, सब बोल जाने होगा। सीतोटन में भी हल्ला मचा दिए, बोलो बृहस्पत को चावल दे रही है, यहाँ आए हैं, बोल नहीं फिंगर नहीं लगा है, ऐसे नहीं है, चावल नहीं आया है, इसलिए हम मीडिया वालों को बुला लिए। कौन बुलाए थे आपको चावल देने के? दीदी। दीदी क्या नाम है उनका? दीदी का नाम हम नहीं जानते। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं आई हुई है उतनी दूर से। क्या नाम हो आपका? रुक्मणी देवी। कहाँ से आए हैं? धावाटन से। कितना दूर है धावाटन यहाँ से? 5-6 किलोमीटर रहता है। कब आए हैं? 8 बजे आए हैं। बच्चा को लेके आने में परेशानी नहीं? सर खाए के गरीब आदमी है, तो खाए के ना है तो नहीं भाई। अच्छा किस लिए आए हैं यहाँ? राशन उठवे ले। तो राशन मिला? नहीं। क्यों? दीदी बोलता है बोला राशन नहीं देगा, देगा 6 तारीख का राशन आए, नहीं मिलेगा राशन। तो आप लोग कैसे आ गए यहाँ? तो यहाँ ना बोला, वहाँ तो सबके बोला है घर में, बोल सब चला वो राशन देगा। अच्छा, और यहाँ आने पर नहीं मिल रहा है? यहाँ आ गए तो नहीं मिल रहा है। तो देखा आप लोगों ने, इनका कहना है कि डीलर ने खुद इन्हें बुलाया है 5 तारीख को राशन देने के लिए, और जब ये लोग उतनी दूर से चलकर यहाँ पहुंच गए तो डीलर ने राशन देने से मना कर दिया। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे डीलर भी हैं, तो उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मरियम बड़की बेसरा मेरा नाम है।
अच्छा डीलर आप ही चला का नाम है ग्रुप में मिला है तो नाम है समूह का नाम है मरियम महिला मंडल। अच्छा आप ही चला रही है ना। हाँ। ग्रामीणों का आरोप है कि आप 5 तारीख को बुलाए थे ये लोग आ गए और इसके बाद आप राशन नहीं दे रहे हैं क्यों। हम तो फोन से हमको पूछा तो हम बोले कि नहीं आना आज मशीन नहीं खुल रहा है। अच्छा मशीन नहीं खुल रहा है मैंने 6 तारीख को खुलेगा तो दे देंगे। तो ये लोग तो बोल रहे हैं कि आप 5 तारीख को बुलाए थे आज के दिन। हम तो फोन से हमको पूछा हम बोल दिए कि नहीं आना। अच्छा आप नहीं आने के। हाँ और वो लोग आया था 1 जनवरी में मैंने पहले मैंने 2 तारीख ना 3 तारीख तो उस दिन हम बोले वो लोग वहाँ उसमें दिया गया है कि 5 तारीख तक में खुल जाएगा मशीन में मशीन में दिया था व्हाट्सएप में तो अभी तो मशीन नहीं खुल रहा है। हमसे खुल अगर खुल जाता तो हम देने तैयार हैं। अच्छा महीना में कितना बार राशन देते हैं आप। 2 बार मिलता है 2 बार वितरण नहीं अभी किए अभी करेंगे जो दिसंबर का मिला है अभी करेंगे करने का 6 तारीख को खुलेगा ना। एक भी राशन नहीं मिला है दिसंबर का अभी तक। तो मिला था वो तो वितरण कर दिए दिसंबर में दिया था वितरण कर दिए तो फ्री वाला। अच्छा फ्री वाला वितरण कर दिए तो अभी पैसा वाला जो है वो वाला नहीं किया। अच्छा कब कीजिएगा वितरण। तो 6 तारीख को खुलेगा मशीन दे देंगे कल कि हमको माया नहीं है कितना बच्चा लेकर के आते हैं ये लोग को। तो ग्रामीण ही तो बोल रहे हैं। तो ग्रामीण तो बोल रहा है लेकिन ग्रामीण को कभी कब आगेगा ये लोग कभी नहीं आगाएगा कितनों मिले चाहे नहीं मिले कभी संतुष्टि होगा। इतना तो मिलता है फिर भी ये लोग बोलता नहीं मिलता है। तो आप अपना थोड़ी दे रहे हैं सरकार। हाँ तो सरकार ठीक है तो सरकार का ही सामान हम वितरण करने के लिए कैसे बोल रहे हैं कि संतुष्टि नहीं मिलेगा आपका थोड़ी। तो हमको विश्वास नहीं कर रहा है कि नहीं बोल रहा है नहीं मिल रहा है तो कहाँ से देंगे। जितना मिल रहा है उतना तो हम दे रहे हैं जितना मिल रहा है जितना दे रहा है वो तो हम दे रहे हैं रखते नहीं और ये लोग बोल रहा है नहीं मिल रहा है तो किसका मिला है। नहीं मिला सर दिसंबर का एक भी चावल नहीं मिले एक बार भी। दिसंबर का राशन आप बांट दिए हैं अभी रखा है। तो अभी आप तो बोले कि एक राशन फ्री दिसंबर में ही बांटे नवंबर का ही फ्री वाला जो। अच्छा नवंबर का दिसंबर में बांटे। हाँ, तो जब आएगा उसी से ना बांटेंगे। हाँ। दिसंबर का राशन अभी आया कि नहीं आपके पास। अभी आया है। अच्छा अभी आया है जो 30 तारीख को आया दोनों बार के तो वो बांटिएगा। हाँ तो बांटेंगे नहीं रखेंगे तो नहीं कब से बांटिएगा सो पूछ रहे हैं। कल से बांटेंगे। दिसंबर का राशन अभी तक आप लोग को नहीं मिला मतलब कल मिलेगा ना दोनों बार का मिलेगा ना सर कि एक बार का मिलेगा वही तो जिसे दिन भर नहीं मिला। दोनों मिलेगा तो एक ही चावल आया है तो एक ही तो ना देंगे दोनों कैसे देंगे जो आएगा वही ना। इनका कहना है कि अभी एक ही बार चावल आया है दूसरा चावल नहीं आया मतलब वहाँ ब्लॉक से एक ही बार चावल मिला कुछ आपको एक ही बार चावल मिला ना अभी दिसंबर का। हाँ अभी तो जो अभी आया पहले में तो वितरण कर दिए जो आया था वो। इनका कहना है कि दिसंबर का भी एक ही बार चावल मिला है। हाँ सर वो भी हम लोग दूसरा आएगा तब करेंगे। चावल दिसंबर का हाँ ये चीज पता करेंगे। और दूसरे जगह दो दो बार का बांट रहा था उसको कैसे मिला सो भी तो हाँ, ये है ना ये तो पता करने का विषय है। बस हम लोग चाहते हैं कि इतना दूर हम लोग नहीं आ पाएंगे बार बार जैसे 4 बार घूमना पड़ता है चावल लेने के लिए हम लोग का थोड़ा नजदीक में राशन कार्ड हम लोग ट्रांसफर कर दीजिए। बस एक ही बार चावल मिलता है जैसे 2 बार तो मिलना चाहिए ना एक दिन में जो मिला जिसको मिला बस खत्म दूसरा दिन तो एक दिन में उसका अधिकार राशन आया है एक बार चावल देता है महीना में एक ही बार और एक बार में 3 बार हम फीवर लगा करके छोड़ दिए कि चल जाएंगे राशन देने में चिट्ठा फाड़ दिया लिखा के चिट्ठा लिए और चिट्ठा लिखा कर को राशन देने है कि आप हमको 3 बार के दीजिए चिट्ठा फाड़ लिया कि नहीं 2 बार के दीजिए ना खारी एकदम से बेईमानी का काम किया है ये। हाँ कौन सा कार्ड है आपके पास। अंत्योदय कार्ड है हम देखा देते हैं। हाँ तो कितना राशन आपको मिलता है। 32 किलो। उसमें तो 35 किलो राशन मिलना चाहिए। कल 32 किलो चार मिलो हमने की कितना मिलता है आपको 32 किलो मिलता है। कहाँ घर हुआ आपका। धावाटा साहब अब फिलहाल यहाँ पे मामले का बीच बचाव करने प्रतिनिधि करने विभाग की ओर से यहाँ पे एक डीलर साहब आए हैं तो आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद यादव हुआ। कहाँ के डीलर हैं। हम ग्राम खोटो के डीलर हैं और अभी आज दिनांक 5 तारीख को पता चला कि ग्राम बिशनपुरा में कार्डधारियों के द्वारा बवाल काटा जा रहा है कि चावल आज क्यों नहीं दे रहे। तो विभागीय कभी कभी
कुछ समस्या आती है जिसके कारण डीलर लोग भी बाध्य हो जाते हैं। और हुआ कि आज 5 तारीख को, प्रत्येक माह 5 तारीख को मशीन खुल जाता था, आज मशीन नहीं खुला। और यहाँ कार्डधारी लगभग 40-50 कार्डधारी बिशनपुरा में पहुँचे हुए थे, और तो डीलर का कहना था कि आज नहीं खुल रहा मशीन, कल दिया जाएगा। तो यही जब यहाँ लोग बमबाल कर रहे थे, एमओ सर को फ़ोन हुआ, तो एमओ साहब हमको बोले कि जाके देखिए जी, कर्धारी लोग को समझा दीजिए कि कल 6 तारीख को खुलेगा मशीन तो दिया जाएगा। यही मामला, इसीलिए मैं आया हुआ था। देखिए, अभी तक दिसंबर माह का राशन मात्र 4 पंचायतों को मिला है, और गोदाम में आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, न्यूज में भी आप लोगों ने देखा होगा कि भारी मात्रा में FCI गोदाम में अनाज को सड़ाया जा रहा है। प्रकार से जब FCI प्रबंधन काम करेगा तो जनता को समय समय पर अनाज कैसे उपलब्ध होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है।